प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे अब शुरू कर रहा है रामायण यात्रा ट्रेन। इंडियन रेलवे ने धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश की पहल के तहत डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रामायण यात्रा के लिए चलाई जा रही है। यह पर्यटक ट्रेन दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 7 नवम्बर को शुरू होगी और प्रभु श्री राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का भ्रमण और दर्शन कराएगी। इससे पहले भी यह यात्रा आयोजित की गई थी लेकिन इसमें केवल स्लीपर क्लास से ही यात्रा सुविधा उपलब्ध की गई थी। अब पहली बार आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार एसी पर्यटक ट्रेन इस अनोखी यात्रा के लिए चलाई जा रही है। यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या होगा, जहां श्री राम की जन्मभूमि मंदिर श्री हनुमान मंदिर नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन किया जाएगा। उसके बाद अगला पड़ाव सीतामढ़ी, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद पंचवटी नासिक, बाद में हम्पी रामेश्वरम, उसके बाद वापसी में ट्रेन 17 दिनों में दिल्ली वापस पहुँचेगी, यानी पूरी यात्रा में कुल 17 दिन लगेंगे। इस दौरान ट्रेन लगभग 7,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। एसी पर्यटक ट्रेन में कोच के अतिरिक्त 2 रेल डाइनिंग कोच, 1 किचन कार और मिनी लाइब्रेरी, स्वच्छ शौचालय, शावर क्यूबिकल्स आदि सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही साथ सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे होंगे और कोविड-19 से बचने के लिए मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर की किट दी जाएंगी। टिकट की बात करें तो IRCTC ने फर्स्ट एसी कोच की यात्रा के लिए 1,02,095 रुपये का टिकट रखा जाएगा। सेकंड टीयर एसी कोच के लिए आपको 82,950 रुपये का टिकट होगा। इस टूर पैकेज की कीमत में यात्रियों को शाकाहारी भोजन, पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने के लिए जो बसें रहेंगी उसके लिए, इसके अलावा ठहरने के लिए होटल्स की व्यवस्था होगी, गाइड और इंश्योरेंस जैसी सुविधा दी जाएंगी। और खास बात, इस यात्रा की बुकिंग के लिए आपकी उम्र 18 या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वैक्सीन के 2 डोज लगाए होने जरूरी है। अगर आप भी इस देखो भारत देश यात्रा पर जाना चाहते हो तो IRCTC वेबसाइट पर बुकिंग चालू कर दी गई है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।